तुम्हारे इसी तट पर तुम्हारे पुत्र ने प्रतिज्ञा ली थी। काश तुमने उसे तभी रोक लिया होता, तभी रोक लिया होता तो इतने जीवन नष्ट नहीं होते। क्यों नहीं रोका तुमने उसे? क्यों नहीं? मेरे तट पर प्रत्येक दिन सैकड़ों मनुष्य आते हैं सत्यवती, विविध प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञाएं लेते हैं। मैं यदि सबको रोकने लगी तो सृष्टि कैसे चलेगी सत्यवती? मेरा कर्तव्य किसी की प्रतिज्ञा में बाधा बनना नहीं। पर भीष्म तो तुम्हारा पुत्र है भागीरथी, 25 वर्षों तक तुमने उसे संस्कार दिए, राजा बनने के योग्य बनाया, किंतु जब उसने राज्य का त्याग किया तुम्हारे हृदय में तब पीड़ा नहीं हुई? मेरा पुत्र कौन नहीं? मेरे तट पर आने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरा पुत्र है, और मैं किसे संस्कार और पवित्रता नहीं देती? अर्थात भीष्म तुम्हारे लिए विशेष नहीं है? है, भीष्म विशेष है, परंतु उसकी विशेषता उसके हृदय में है, मेरी दृष्टि में नहीं। सत्यवती, आज हस्तिनापुर और कुरुवंश की जो भी दुर्गति है उसका कारण तुम हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि भेद देखती है, मेरी नहीं। मैं तो सामान्य एक मनुष्य हूं, तुम्हारी भांति अमर नहीं हूं मैं। प्रतिशत मृत्यु का भय रहता है मनुष्य के हृदय में, इसीलिए तो वो सुरक्षा ढूंढता है। मैं भी तो सुरक्षा ही ढूंढ रही थी। तो फिर मिली सुरक्षा? क्या मिला? जीवन भर का संघर्ष और वृद्धावस्था में अपमान, कोटि कोटि प्रजाजनों का निश्वास और श्राप। जल के पात्र में नमक डालो या शक्कर, ये निर्णय तुम्हारा होता है, परंतु अगर एक बार निर्णय ले लिया तो उसे उल्टाया नहीं जा सकता। सत्यवती, मैं जानती हूं भागीरथी, भूल मेरी ही थी, किंतु तब मुझे भविष्य भी तो नहीं दिखता था, और मनुष्य का जीवन भी तो उसके मर्यादाओं का ही परिणाम होता है। मैं जानती हूं भूल मेरी ही थी, किंतु अब मुझे कुरुवंश और कुरुराष्ट्र के भविष्य को दृढ़ बनाना होगा। उसके लिए कोई तो उपाय बताओ गंगा, कोई तो मार्ग दिखाओ। पहला निर्णय भी तुमने स्वयं लिया था, किसी से परामर्श नहीं किया, अब दूसरा निर्णय लेने का क्षण है। ये निर्णय भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा सत्यवती।